comes definition, then comes depiction, then comes attraction. फिर भगवान की जो सिचुएशन है फिर वो क्लियर हो पाती है, नहीं तो हमेशा ये कंफ्यूजन है कि भगवान को किसने बनाया. जब मॉडर्न साइंस ही मानती है अर्लियर देयर वाज सिंगल सिंगुलैरिटी, इट वाज यू नो इनफाइनाइट प्रेशर, इनफाइनाइट टेंपरेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, एंड देन देयर वाज एन एक्सप्लोजन, एंड यू नो आफ्टर द एक्सप्लोजन एंड देन यू नो एवरीथिंग केम इनटू एक्जिस्टेंस. या क्योंकि बच्चे को भी अकल होती है, बम फूटिए भाई नष्ट होता है सब कुछ, सृष्टि नहीं होती. लेकिन ऐसे कोई मूर्खानंद साइंटिस्ट होते हैं, सारे मूर्खा नहीं, कुछ ऐसे मूर्खानंद होते हैं साइंटिस्ट जो कि मानते हैं ना बम फूट करके तेरा घर कैसे बना, कहते हैं बम फूट के हमने बनाया बिल्कुल. उसी तरह से अगर किसी को भगवान की डेफिनेशन ही नहीं पता तो ऐसा व्यक्ति सवाल पूछे, अच्छा ही इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, तो फिर उनको किसने बनाया, उनको किसने बनाया, कहाँ है भगवान का, अगर भगवान है तो भगवान कहाँ है. ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि मान लो कोई किताब पढ़े, जैसे कोई बच्चा का नॉवल पढ़े, नॉवल पढ़ा, नॉवल अच्छा लगा, कहता हाँ नॉवल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना नॉवल में ऑथर कहाँ है. इसमें लैला भी है, मजनू भी है, उसके पिताजी भी हैं, विलन भी है, ढूंढड़ाका सब हो गया, कहते लेकिन इसमें इस नॉवल में ऑथर कहाँ है. कहता ऑथर ना इसके बाहर है, कहता इसका मतलब ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये क्या बात हुई. अब यहाँ इस जगत के अंदर टाइम स्पेस का जो मैट्रिक्स है ये भगवान ने बनाया है. आप टाइम और स्पेस के मैट्रिक्स को हम पढ़ें और कहें अच्छा लेकिन भगवान का है इसके अंदर, भगवान इस सबके परे हैं. जिस तरह से जो ऑथर है नॉवल का वो नॉवल के बाहर एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार से टाइम और स्पेस का जो मैट्रिक्स है, ये जो मैटर का जो मैट्रिक्स है, भगवान इसके परे हैं. इसीलिए तो इसलिए भगवान की डिपिक्शन करने से पहले बहुत जरूरी है भगवान की डेफिनेशन को क्लियर करना.